पूरी तो पंडित और देवी सिंह की चढ़ेगी बच्चे, बाद में पूरे कुंद्रा गांव की दबा करके रखूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मंत्र तो ये है, वंदयाम विलोचना, वंदयाम विलोचना। ऊपर वाला अगर है तो इसकी आत्मा को शांति देना। यहां से चारों दिशा में 21 कदम को हम सबके पीछे पड़ गई है। कहां पता हमें तुम्हारा करना पड़ेगा। कौन है? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अम्मा आप क्या कर रहे हो तुम? अम्मा आप तो तुझे तो मैं अरे रुको तो निशान? ये निशान तो बचपन से मेरे हाथ पे। अरे ये कहाँ गई? बेटा भी कहीं ये भूत तो नहीं थी? तू भाग जा यहाँ से। आज सही में हीरो बनने का मौका है। क्यों नहीं? आज ये माला शबाशवीर, सच पूछो तो मुझे लगा नहीं था कि तुम ये काम कर पाओगे। तुम्हें डाउट था ब्रदर? मुझे तो पूरा यकीन था कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। पर क्या है ना, हीरो बनने के लिए करना पड़ता है। आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं क्या होता है इस कुंदेरा गांव का। मसीहा बनकर आए आप दोनों। अच्छा हुआ कि अब तो ये चंबा का किस्सा ही खत्म हो गया। इतनी आसानी से ना चौधरी देवी सिंह।
मां के चेहरे पर खून किसी और का ना था अपना होगा। में किया जा सकता है चौधरी जी, अब फैसला आपके हाथ में है। या तो इस अज्ञानी के हाथों मारे जाओ या फिर मेरे कहने पर धर्म की राह पर चलकर मुक्त हो जाओ। अरे ब्रदर, तुमने तो कहा था आत्मा शांत हो जाएगी, इसने तो और स्पीड पकड़ ली। वीर, तुम्हें यकीन है ना कि तुमने सारे मंत्र सही तरीके से पढ़कर वकील सही जगह गाड़ी थी? पक्का ब्रदर, 21 कदम की दूरी पर। सच बोल वीर, कहीं तो डर के भाग तो नहीं आया? कमाल करते तुम लोग यार, इतनी मुश्किल से जान झुकी में डालकर हीरोगिरी का काम किया मैंने उस पागल बजरंगी और इस बुढ़िया से बचकर। बुढ़िया? वो चंबा की कब्र के वहां मिली। कौन? चंबा की माँ? पता नहीं, पर जो भी थी उसे पहले कहीं देखा है मैंने। God, उसे तो मैंने इसी घर में देखा है। वो बुढ़िया चंबा तो नहीं थी? इम्पॉसिबल, चंबा एक लड़की थी। अच्छा, लगता है कोई ना कोई छोटी हर लड़की मुझे बुढ़िया लगती है। वीर प्लीज मजाक बंद करो और ठीक से मुझे बताओ कि इस बुढ़िया ने तुमसे क्या कहा। अरे डांट रही थी मुझे, बाकी मुझे पता नहीं, ये निशान देखा और अपने आप डर के भाग गई। तुम्हारे निशान से तो सिर्फ प्रेत डरते हैं वीर। क्या बात है अजिंक्या? यही तो मालूम करना है कोई ना, चंबा की माँ से मिलकर। तब तक मैं चौधरी जी से कहती हूँ कि वो उस पंडित की बातों में ना आए। और मैं तब तक मौसी के लिए सब्जियां लेके आता हूँ। अम्मा, कोई है? लेने आया है तू? मैं बस चंबा की कहानी पूछने आया था। क्या करेगा जानकर, इंसाफ दिलाएगा? कोई परछाई नहीं, यानी कि मेरा शक सही निकला। ये औरत इंसान नहीं, प्रेत है। चुप क्यों है? बोल, दिलाएगा इंसाफ? क्यों नहीं, अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। वही सजा तो मिल रही है गांव वालों को चंबा की आत्मा से। लेकिन चंबा तो खुद एक डायन थी जिसने। नहीं, मेरी चंबा डायन नहीं थी, वो तो मासूम थी। सब गांव वालों ने साजिश करके मेरी बेटी को मार डाला, मार डाला। किसने? मेरी चंबा बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उसके पास एक ऐसी शक्ति थी, वो भविष्य में होने वाली सारी दुर्घटनाएं देख सकती थी, पहले से बता सकती थी कि गांव में कौन बीमार पड़ने वाला है, कौन मरने वाला है। और एक दिन उसे ऐसी भविष्यवाणी थी कि उसका भविष्य ही उजड़ गया। बोल चंबा, आज तेरी काली जबान किसकी चेतावनी लेके आई है?
आना तो मुझे बहुत पहले चाहिए था चौधरी जी, लेकिन अब और नहीं डरूंगी, क्योंकि मने पता है गो कि नदी वाली जमीन पर कुलदेवी का मंदिर किसने तोड़वाया है। तुम सबने। क्या भक्ति है, जबान खींच लूंगा तेरी लड़की। अरे एक पंडित पर मंदिर तोड़ने का लांछन, नरक में जाएगी ऐसा झूठ बोलकर काली जबान। हाँ मारी जबान काली हो सके मगर झूठी नहीं। मैंने अपनी भविष्यवाणी में देखा है कि नदी वाली जमीन को पाने के वास्ते एक लौटता रोड़ा था वो मंदिर, इसलिए रातों रात छुपके से तुड़वा दिया था लोगों ने। कुंधेरा की कुलदेवी का अपमान हुआ है इसलिए पूरे गांव में सूखा फैला है। तो अब के इरादा है थारी? इससे पहले कि मैं गांव वालों को थारी करतूत के बारे में बता दूं, फिर से खड़ा कर दो वो मंदिर वहाँ, ताकि कुलदेवी का गुस्सा टले। बस तो तुझे आना ही होगा अपनी भविष्यवाणियों से, वरना एक भविष्यवाणी मुझे भी करनी होगी कि कुंदेरा में हो रहे अकाल और सूखे का कारण एक काली जबान वाली डायन है, जिसने अपनी काली शक्तियों से कुलदेवी का मंदिर खुद तोड़ा है। नहीं। और अब सिर्फ उसकी बलि ही हमें मुक्ति दिला सकती है। क्या? वाह! ये तो चंपा की कहानी उल्टी उसी पे। चंपा जोतर। ये क्या कर रहे चौधरी साहब, जाने दीजिए उसे। अरे जाने देंगे तो ये हमें जाने नहीं देगी। अरे नदी के साथ वाली जमीन को बेच के करोड़ों मिल रहे हैं हमें, उसका नुकसान कैसे होने देंगे? पंडित अपनी भविष्यवाणी पूरी कर। अरे पकड़ो से, पकड़ो से, पकड़ो। चौधरी जी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, गलती की थारे पास आके। गलती की है तो सजा मिलेगी, गलती की सजा मौत। हो गया बेवकूफ, मत बन। अनर्थ हो गया। अरे इस पागल ने देख लिया। जिस तरह आज तक चंबा की काली जबान से लोग डरते थे, वैसे आज के बाद इस पागल से डरेंगे। मैंने चंबा को मारा, चंबा, मैंने चंबा को मारा, मैंने चंबा मारा, मैंने चंबा को 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 मारा, चंबा को मारा, चंबा को मारा, चंबा को मारा, मैं चंबा को मारा, मैं चंबा को मारा, चंबा को मारा, चंबा को मारा। बस अब जो कहानी मैं बताऊंगा वही तुम सबको कुंदेरा में दोहरानी है कि बजरंगी नहीं चंबा को मारा है, समझे? Ha 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 ha!
पर मेरी मासूम चंपा को मार डाला, मेरी बेटी को साजिश करके मार डाला। ये कहानी तो देवी सिंह की कहानी से बिल्कुल अलग है, पर एक प्रेत की बातों को कैसे यकीन मान लो? आखिर सच क्या है? पहले गजेंद्र, फिर रतन सिंह, फिर विशंबर, फिर दीननाथ, अब हम दोनों। ये चंपा तो असल में डायन निकली। चुप, बेवकूफ जैसी बात मत कर। हम दोनों जानते हैं कि चंपा कोई डायन मायन नहीं है। अगर उसे हमारे मंदिर तोड़वाने का राज पता ना चलता तो ये मुसीबत ही नहीं होती। इसलिए मरना था उसे, वरना हम उस करोड़ों के सौदे से हाथ बैठते। अब तो इससे जितना फायदा मुझे होगा उतना ही तुम्हें भी होगा, बाकी सब तो मर गए। अब ये जमीन आधी आधी हमारी। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो चौधरी जी, एकदम सौ सच्ची। मगर उस चंबा की आत्मा का क्या होगा? तुम किसी बलि की बात कर रहे थे? बलि? मेरी मासूम चंबा पर यकीन है या नहीं? मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, और किसी को नहीं तो मुझे फर्क पड़ता है। तुम किसी बलि की बात कर रहे थे? मेरी मासूम चंबा पर यकीन है या नहीं? मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, और किसी को नहीं तो मुझे फर्क पड़ता है। मेरे साथ है या कुंडेरा वालों के साथ? बता। मैं सिर्फ सच्चाई के साथ हूं, और सच यही है कि चंबा भले ही अपनी जिंदगी में डायन ना हो, पर जो वो आप कर रही है उसे आम लोग यही कहेंगे कि वो एक डायन है। दुनिया में सबको डरा के रखना पड़ता है, वरना खुद को डर के रहना पड़ता है। जैसे मेरी चंबा रह रही थी, लेकिन नहीं, अब पूरा कुंडेरा मेरी चंबा के नाम से डरेगा, थर थर कांपेगा। हुकुम, बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। ये सब तुम लोगों का किया धरा है ना? एक बेकसूर की जान ली है तुमने। जान तो अब तेरी ही जाएगी। तेरी ही जाएगी। छोड़ो मुझे। चंबाकांत और राज का राज, मतलब एक तीर से दो निशाने। तो सिंह बंद कर दो सिंह नीचे तहखाने में। छोड़ो। पकड़ो उसे।
मारा उसे। मौसी, कोई ना कहाँ है? वो तो चौधरी देवी सिंह के यहाँ गई है, लेकिन बहुत देर हो गई, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। अच्छा, मैं जाके देखता हूँ, आप ये पकड़ो। हमने चंबा को चौधरी चलो यहां से, यहां आना तो अशुभ है। वो देखो मिली, उठा लो उसे। हां छोड़ दिया ना तो सब उगल देगी। जी हुकुम। आपकी हवेली से ही आ रहा हूं अभी कोयना को ढूंढते हुए। क्या है ये सब? क्या है क्या मतलब? चंबा की आत्मा उसमें घुस गई है। अरे हमें यहाँ दौड़ाती हुई लेके आई, मारने वाली थी हमें। कोयना, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। बदला चंबा नहीं, उसकी मां की आत्मा ले ले। ए लड़के, इन दोनों को मेरी असलियत बताकर तूने साबित कर दिया कि तू मेरे साथ नहीं, इन सब के साथ है। अब तू भी नहीं बचेगा। चंबा की मां जो 10 साल पहले ही मर चुकी है। हाँ देवी सिंह, और इतने सालों तक मुझे यकीन था कि ये कुंदेरा वाले मेरे जाने के बाद मेरी चंबा को अपनाएंगे, लेकिन अपनाना तो दूर, तुम सबने उसे मार डाला। मासूम तो बदला लेने के काबिल नहीं है, पर उसकी ये मां तुम सबको नहीं छोड़ेगी, सबको मार डालेगी। हाँ देव सिंह, you
सारी चूड़ियाँ? ये लो। डायन थी वो और तू भी है। माँ वैसी बेटी, वैसी माँ वैसी बेटी, वैसी माँ वैसी बेटी। अजिंक्य, अजिंक्य ये चौधरी झूठ बोल रहा है। मैंने खुद उसे कहते हुए सुना है, चंबा मासूम थी। इन सबने मिलकर उसे मार डाला। कबूल कर चौधरी। खबरदार जो कोई मेरे सामने आया वरना तुम सबको गोली छोड़ा दूंगा मैं। तो फिर उससे पहले मुझसे शुरुआत कर। पंडित नहीं चौधरी, अरे मैं हूं। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तुझे भी खत्म कर दूंगा। मैं सबको मार डालूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। यही तो मैं चाहती हूं। आपको जिससे अपना बदला लेना था आपने ले लिया। अभी निर्दोषों को मारकर तुझे क्या मिलेगा? इनका दोष ये है कि ये सब आप चौधरी की बातों में आ गए। मेरी बेटी की मौत के लिए अब अपहरा कुंदेरा मरेगा। कोई
यहाँ से 150 कोस दूर दो पहाड़ियों के बीच एक किले में कैद है वो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें मौत से गुजरना होगा। माँ तो आप भी हैं मेरी, बेटा कहाँ है आपने मुझे? तुझे अपनी माँ तक कई माओं का आशीर्वाद देना होगा, उनकी मदद करके। लेकिन अगर आपका आशीर्वाद नहीं मिला तो क्या फायदा? खून खराबा नहीं, तूने मेरा बदला ले लिया। चंबा, हमारी बच्ची। चल माँ, ये दुनिया अब हमारे वास्ते नहीं। हाँ हमारी बच्ची, हमारी दुनिया तो वहां है जहां मेरी बेटी है। यहाँ से 150 कोस दूर दो पहाड़ियों के बीच एक किले में कैद है वो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें मौत से गुजरना होगा। आज तक मैंने भविष्य का सिर्फ बुरा देखा है, काश इस बार ऐसा ना हो। एक बार माँ मुझे गले लगा ले, उसके बाद मुझे हर मौत मंजूर है।